हमने एक वीडियो बनाया था Realme Buds 2 के ऊपर और वो वीडियो आपको काफी अच्छा लगा और उस वीडियो पे आपके कमेंट्स आए कि Realme Buds 2 और Bolt के बीच में हम एक कंपैरिजन वीडियो आपके सामने रखें ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो फाइनली Realme Buds 2 एंड देन Bolt, ओके, इन दोनों के बीच में हम एक कंपैरिजन वीडियो आपके सामने लेके आ चुके हैं और देखते हैं इसमें कौन सा बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पे एक और ईयरफोन के बारे में आपने बात किया था, एंड से रिलेटेड है कुछ, ओके, तो वो हमारे पास अभी नहीं आ पाया है। जैसे ही हमारे पास आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी एक कंपैरिजन वीडियो आपके सामने लाके रख दूं, मतलब तीनों का एक साथ हम कर देते, बट एनीवे ये दो है तो इनका पहले हम देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल याद से आपको दबा देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पिन की। अगर मैं Realme Buds 2 के पिन की बात करूं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल पिन देखने को मिलता है, वहीं अगर Bolt के पिन की बात की जाए तो यहाँ पे गोल्ड पिन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो Bolt का पिन है वो 45 डिग्री एंगल पे टिल किया हुआ है। अब इसका फायदा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने अपने Realme Buds 2 वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि इस वाले पिन में क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, वो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जब हम इसे लगाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये हमने फिट कर दिया, अब इसे जब हम निकालते हैं और अगर हमारे हाथ में थोड़ा सा भी पसीना है, उंगली पे थोड़ा सा भी पसीना है, तो ये आपका आसानी से नहीं निकलता है, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये बहुत ही स्लिपरी है और इतना सॉफ्ट यहाँ पे ये फिनिशिंग किया गया है, तो बेसिकली हमारा हाथ जो है वो स्लिप कर जाता है। अब यहाँ पे स्लिप करने से दिक्कत क्या होता है कि जैसे ये स्लिप किया तो ये यहाँ पे ये वायर पे हमारा प्रेशर पड़ता है और ये वायर डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, ओके। तो इसे जब भी आपको निकालना होगा तो यहाँ पे कस के आपको पकड़ना है और फिर इसे खींचना है, ओके। अगर आप कैजुअली जो हम करते हैं, कैजुअली नॉर्मली अगर निकालना हो तो ऐसे पकड़ते हैं और ये चीज़ हमें फेस करने के लिए मिलता है, ओके। तो ऐसे हमें निकालना पड़ेगा इसे कस के। ये था Realme Buds 2 में जो हमें ड्रॉबैक लगा। अब हम बात करते हैं जो Bolt है उसके पिन की। तो यहाँ पे एक बेनिफिट मुझे ये लगा कि ये चीज़ जो है ये रफ बनाया गया है, तो बेसिकली रफ चीज़ पे जो हमारा फिंगर का ग्रिप है वो अच्छी तरीके से बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो 45 डिग्री एंगल पे टिल किया गया है तो ये वायर पे हमारा प्रेशर किसी भी एंगल से नहीं बनता है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमने लगाया और यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको पकड़ने का ज़्यादा ऑप्शन मिल जाता है, ज़्यादा एरिया मिल जाता है, तो बेसिकली हम इसे आसानी से निकाल पाते हैं। ये देखिए, ये हम आसानी से, अगर आप कैजुअली भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये स्लिप नहीं करता है। तो ये एक बेनिफिट आपको Bolt वाले ईयरफोन में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों ईयरफोन के केबल की। सच बताऊं तो दोनों ईयरफोन का केबल जो है अपने अपने जगह पे बेस्ट है, ओके, लेकिन अगर इन दोनों में मुझे कोई एक पिक करना हो तो मैं Realme Buds 2 के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे Realme Buds 2 का जो है ऊपर में जो कपड़े का कोटिंग किया गया है तो जिस कारण से इसे ये थोड़ा स्ट्रांग बना देता है एज कंपेयर टू आपका Bolt। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो कपड़े का कोटिंग किया गया है ना, तो ये इसे थोड़ा और मजबूत बना देता है एज कंपेयर टू Bolt, क्योंकि Bolt का जो हमारा केबल दिया गया है वो नॉर्मली जो केबल आता है वो उससे थोड़ा सा बेटर है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी कंप्लेन नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस Bolt वाले ईयरफोन को मैंने 6 मंथ तक यूज़ किया है, बट फिर भी अगर मुझे पिक करना हो दोनों में तो मैं केबल के मामले में Realme Buds 2 के साथ जाना चाहूँगा। अब बात आती है दोनों के ईयरबड्स की। तो यहाँ पे जो दोनों का ईयरबड्स है वो आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स मिलता है। दोनों के ईयरबड्स में आपको एक एंगल देखने को मिलेगा। Realme Buds 2 में ये कितने डिग्री पे एंगल किया हुआ है ये चीज़ मेंशन नहीं था, तो इस कारण से हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि ये कितने डिग्री एंगल पे टिल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं Bolt की बात करूँ तो Bolt जो है वो 45 डिग्री एंगल पे टिल किया गया है, तो बेसिकली इसका फायदा ये होता है जब आप कान में लगाओगे तो ये गिरेगा नहीं, ओके। एक अलग से यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाता है Bolt में कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लूप दिया गया है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा
कुछ इस तरह से ये लूप काम करता है। ओके, तो फाइनली मैंने कान में फिट कर लिया और यहाँ पे इस साइड जो है Realme Buds 2 है और इस साइड जो है बोल्ट है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से फिट हो गया। ये जो लूप है ये बेसिकली इसके अंदर चला गया, मेरे कान के अंदर। तो ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ओके, आपको दिख रहा होगा शायद। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे Realme का कुछ इस तरह से फिट होता है कान में, शायद आपको दिख रहा होगा। ओके, दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप इसको कान में लगा लोगे, और दोनों में आपको बाहर का जो नॉइस है वो बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अब बात आती है बटन्स की। ओके, तो Realme Buds 2 में आपको 3 बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा करना, वॉल्यूम कम करना, ये दोनों चीज़ आप इससे कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मेन बटन दिया गया है जिससे आप पाउज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, कॉल रिसीव वगैरह वगैरह सारा काम इस बटन से हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं बोल्ट की बात करूं तो यहाँ पे ये जो है एक सिंगल बटन के साथ आपको मिलता है और इसी से सारा कुछ होगा। एनीवे, ये तो थी लर्न फन देवानंद वाली बातें। फिलहाल हम इस लर्न फन देवानंद वाली बातें को साइड करते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं, साउंड क्वालिटी। क्योंकि यह ईयरफोन चाहे कैसा भी हो, अगर उसमें साउंड क्वालिटी का आउटपुट हमें अच्छा ना मिलता हो तो भैया बेकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के एवरेज साउंड क्वालिटी की, जो हम बास को साइड करके अगर देखें तो। ओके, बास को अगर हम साइड कर लेते हैं, उसके बाद जो आउटपुट हमें इसमें मिलता है, तो दोनों में ही आपको एवरेज साउंड क्वालिटी मिलेगा। फर्क आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें थोड़ा सा जो है वो दबा हुआ साउंड आएगा Realme Buds 2 में। दबा हुआ का कहने का मतलब ये नहीं कि इसमें साउंड क्वालिटी आपको अच्छा नहीं आएगा, दबा हुआ कहने का मतलब कि जो सॉफ्टनेस है साउंड में वो आपको देखने को मिलेगा Realme Buds 2 में। लेकिन बोल्ट की बात की जाए, जो हमने एक्सपीरियंस किया है और एक्स्ट्रा लेवल पे हमने इसे टेस्ट किया है। ओके, तो जो हमने टेस्ट किया है ना, तो इसमें क्या है कि आपको वो दबा हुआ वाला फीलिंग नहीं आएगा, इसमें आपको लाउड मिलेगा बास को हटाने के बाद भी, लेकिन उतना भी लाउड नहीं कि हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा लाउड। एवरेज में जो हल्का सा लाउडनेस होता है ना, सॉफ्ट को थोड़ा सा इंक्रीज आप कर दो तो उस तरह का साउंड क्वालिटी आपको बोल्ट में मिल जाएगा। अगर एवरेज साउंड क्वालिटी में मुझे किसी एक को पिक आउट करना हो तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में आपको एवरेज साउंड क्वालिटी में कमाल का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है साउंड क्वालिटी विद बास। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो हमने टेस्ट किया है ना, मतलब बहुत दिमाग लगा मुझे इसके साउंड क्वालिटी बास के साथ, मतलब जो फंडा है वो चेक करने में, इसलिए क्योंकि मैं कभी इसे लगाता था, कभी इसे लगाता था, कभी दोनों को एक साथ लगाता था, फिर उसे निकालता था, फिर मतलब मैंने किया, मतलब जहां तक मुझे जैसे हो सकता था वो मैंने किया, और मुझे दोनों में परफेक्ट बास देखने को मिला, परफेक्ट साउंड क्वालिटी भी देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा डिफाइन करना हो इन दोनों के बीच में, तो मैं Realme Buds 2 को बास के मामले में पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसमें आपको बास क्वालिटी कमाल का देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू बोल्ट। उसके बाद आता है लाउड साउंड क्वालिटी। तो किसमें आपको लाउड साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा, तो इसमें मैं पिक करूंगा Realme Buds 2 को, इसलिए क्योंकि जब आप इसे 100% पे डाल दोगे तो भैया आपका कान जो है वो रहम की भीख मांगेगा, जो कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। ऐसा इसमें मतलब इतना ज़्यादा लाउड है और फिर आप बोलोगे अरे कम करो, तो ऐसा कुछ फीलिंग आपको आएगा। लेकिन अगर इसके लाउड की बात की जाए तो ये आपके कान को ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने इसे 100% पे सुना, इससे थोड़ा सा कम है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, हल्का सा। अगर मैं परसेंटेज निकाल के बात करूं तो अगर इसमें 100% है तो इसमें आप 80% आप रखो कि 80% लाउड है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप Realme Buds 2 के साथ जाते हैं तो कभी भी आप इसे 100 यानी फुल साउंड करके और मत सुनिए, क्योंकि फिर वो आपके कान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मुझे पेन होने लगा था Realme Buds 2 में जब मैं 10 मिनट ही सुना था, सिर्फ 10 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा। ओके, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ था फुल साउंड में।
इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 50-40% 50-40% पे आप अपना साउंड रखिए और उसके बाद फिर इसका मजा लीजिए, तो फिर आपको क्वालिटी भी पता चलेगा कि इसमें कैसा क्वालिटी मिलेगा। अगर मुझे साउंड क्वालिटी में किसी एक को पिक आउट करना होगा तो यहाँ पे दो डिफरेंट पार्ट में बढ़ जाता है ये चीज़। अगर मुझे लाउड चाहिए, बास ज़्यादा चाहिए और ऐसा कुछ, तो मैं Realme Buds 2 के साथ जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे ये सब चीज़ एवरेज मिले, बैलेंस मिले, यानी अगर आप बैलेंस साउंड क्वालिटी खोजना चाहते हैं, बास भी हो, साउंड भी हो, मतलब सब चीज़ जो है वो बैलेंस में हो, तो भैया बोल्ट आपके लिए सही होगा। लेकिन सिर्फ आपको बास चाहिए, मतलब तगड़ा वाला, तो फिर बास लाउड Realme Buds 2 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, अब हम इन दोनों ईयरफोन का एक छोटा सा टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि दोनों में लिखा हुआ था इनके डिस्क्रिप्शन में कि दोनों ही टैंगल फ्री है। टैंगल फ्री का मतलब क्या होता है कि इसे आप किसी भी तरह कर दो तो ये, मतलब ये लपझाएगा नहीं, ओके, मतलब फंसेगा वगैरह नहीं, आप आसानी से इसे यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे Realme Buds 2 का आपको दिखाऊंगा, इसे बैग में रखूंगा, क्योंकि जब हम ट्रैवल वगैरह करते हैं कैजुअली हमारा ईयरफोन टेबल पर रहता है और फिर हम आते हैं और इसे ऐसे पकड़े, ऐसे ऐसे किए और फिर इसे हम बैग में डाल देते हैं। ओके, मैंने इस वाले में डाला है और बोल्ट को हम इस वाले में डालेंगे। ओके, तो इसे भी हम डाल देते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हम उसे सीधा किए थे उसी तरह से इसे कैजुअली, ये इस तरह से रखा हुआ है, हमने उठाया और अब मुझे जाना है कहीं बाहर, तो मैं ऐसे करूँगा और ये बैग में मैंने डाल दिया। ओके, अब हम इसे निकालते हैं और देखते हैं कि ये किस हद तक टैंगल फ्री है। ऐसे मुझे पता है कि कौन सा टैंगल फ्री सही से काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ Realme Buds 2 को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से फंस गया, ज़्यादा नहीं फंसा है लेकिन कुछ हद तक इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि Realme Buds 2 जो है, जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ये डुअल टैंगल फ्री है। और फिलहाल हम इसे साइड करते हैं, अब हम निकालते हैं बोल्ट को। तो भैया बोल्ट निकल गया, इसे मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ये टैंगल फ्री इसे मैं मानूंगा। चलो एक बार और हम ट्राई करते हैं। तो बेसिकली ये हमने इस तरह से किया और ये कुछ ज़्यादा ही हो गया और ये आपको दिख रहा होगा, कहीं भी लिपझाया नहीं, तो ये मेरे लिए परफेक्ट टैंगल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं बात आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आता है Realme Buds 2 का। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमने उसके साथ किया था, जो सजा उसको मिला वो इसे भी मिलना चाहिए। एंड देन अब यहां पे आपको दिख रहा होगा डुअल टैंगल फ्री का मतलब ये किस एंगल से आपको ये डुअल टैंगल फ्री लग रहा है। अब यहां पे ये इस तरह से जो फंस गया है, तो ये क्या बोलूं इसके बारे में मैं। ओके, तो ये मुझे किसी भी एंगल से टैंगल फ्री नहीं लगा। अब यहां पे अगर एक रेशियो की बात की जाए दोनों में, 10 बार हमने किया था इस चीज़ को, 10 बार में से जो मेरा बोल्ट है वो 8 बार सही से काम किया, 2 बार वो भी फंसा था। लेकिन अगर मैं Realme Buds 2 की बात करूं, तो इसे भी हमने 10 बार ट्राई किया, जिसमें से हमने 5 बार दोनों को बैग में रखा था और 5 बार हमने इस तरह से किया था। उतना मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो चुका है शायद। एनीवे, नाउ कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या था कि ये फंस जा रहा था और वो भी जस्ट बोल्ट का उल्टा। ओके, तो ये मात्र 3 बार ही ऐसा था जो सही से खुल गया था, बाकी 7 बार जो था ये फंस गया था और ये अभी खुल गया। ओके, अभी खुल गया। तो इस तरह से ये कभी कभी खुल जाता है। और भैया जो रेशियो हमने आपको बताया, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि कौन सा टैंगल फ्री आपको लगा। यहाँ पे हमने जो कंपैरिजन है वो आपको करके बता दिया, साउंड क्वालिटी कैसा हमें मिलेगा दोनों में वो भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की।
तो Realme Buds 2 जो है वो 600 रुपीज का आपको मिलेगा। ओके, लेकिन अगर हम बोल्ट की बात करें तो बोल्ट आपको 450 रुपए के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे 20 रुपए आगे पीछे होते रहता है, 30 रुपए 20 रुपए आगे पीछे होते रहता है, ये हमने देखा है। तो आप इसे 500 के अंदर रखो कि आपको 500 के अंदर बोल्ट मिल जाता है, 600 का आपको Realme Buds 2 पड़ेगा। ये था इनका प्राइस। अब आप देख लो, हिसाब किताब अपना लगा लो कि प्राइस के हिसाब से आपको किस में बेटर चीज़ मिल रहा है और किस में बेटर चीज़ नहीं मिल रहा है, किसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, किसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है। ये हमने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा कि इन दोनों में से किसे पिक आउट करना चाहिए और कौन सा आपके लिए सही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से अनबायस्ड रिव्यू जो है वो आपको देते रहूं और आप सही चीज़ सही दाम में ले पाओ।